हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एनकेआरएम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज कुछ बेसिक चीज़ का जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए, हम लोग चतुर्भुज पढ़े थे कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक तो पढ़े थे उत्तल चतुर्भुज और एक पढ़े थे अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज यानी जिसके सारे अंदर के कोण 180 डिग्री से छोटा हो, उत्तल बहुभुज ठीक है। और एक अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या हो जाएगा कि आपका जो सारा ये होगा, मतलब एक जो कोण होगा अवतल बहुभुज में, वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल चतुर्भुज। तो देखिए, उत्तल चतुर्भुज कुल छह प्रकार के होते हैं, है ना, उत्तल चतुर्भुज। अब इसको डिफाइन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए, ये हो गया एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके एक पैरेलल, एक पेयर ऑफ जो लाइंस हो वो पैरेलल हो, भुजा हो वो पैरेलल हो। तो देखिए, ये इसके पैरेलल है, समांतर, ठीक है, तो वो क्या है, समलंब चतुर्भुज। कम से कम एक होना चाहिए मिनिमम, एक से ज्यादा भी हो तो भी वो समलंब चतुर्भुज कहला सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज, और दूसरा क्या हो गया, पतंग, काइट। काइट मतलब क्या होता है कि उसका जो आसन्न भुजा है वो बराबर होता है, यानी इसके जो बगल वाला भुजा, ये इसके भुजा बराबर और ये इसके बराबर। तो ये कौन सा प्रकार हो गया, काइट, पतंग, ठीक है, लिखा भी है। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज दो तरह की होती है। एक हो गया आपका समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, और यह एक हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में क्या होगा कि इसके जो एक पैरेलल, ये तो पैरेलल होगा ही एक ही जुरा, और दूसरा जो साइड होगा अनपैरेलल वो इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अब फिर देखिए, दूसरा हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन है कि सम्मुख भुजा के दोनों युग्म समांतर होते हैं, यानी ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, आमने सामने की भुजा क्या होगा, समांतर होगा। फिर समांतर चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आयत और एक हो गया सम चतुर्भुज। आयत में आमने सामने की, देखिए समांतर चतुर्भुज है, आयत भी है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल। और अगर एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो सारा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। समचतुर्भुज में वही कंडीशन, इसमें सारा भुजा बराबर होना चाहिए, हमको एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन सारा भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और आमने सामने की भुजा पैरेलल होना चाहिए। अब दोनों मिला करके आपका एक बनता है जो दोनों के बीच आता है, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। देखिए, स्क्वायर में क्या होता है कि ये समचतुर्भुज होना चाहिए कि आमने सामने सारा भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसमें देखिए सारा भुजा बराबर है। और आयत में क्या होना चाहिए कि आमने प्रत्येक को 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसमें भी प्रत्येक को 90 डिग्री का, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और प्रॉपर्टी का जानकारी लेते हैं। देखिए, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जो होते हैं, इसका जो विकर्ण होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर जरूरी नहीं कि होता है। अब इसका कैटेगरी में देखते हैं, आयत का जो विकर्ण है सारा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज का फिर नहीं होता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आयत का फिर सारा भुजा भी बराबर होते हैं, सारा कोण भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ठीक है, स्पीड में हम ये पढ़ लेते हैं। पतंग, वह चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म समान हो, आसन्न भुजाओं के दो युग्म समान हो, बराबर हो, पतंग कहलाता है। दी गई आकृति ए बी सी डी एक पतंग है जिसमें ए बी बराबर ए डी तथा बी सी बराबर डी सी है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, समलंब चतुर्भुज, तो वो चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही युग्म, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा, है ना, ये इसका सम्मुख भुजा और ये इसका सम्मुख भुजा है, ठीक है। क्या बोलता है, वो चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही युग्म समांतर हो, एक ही युग्म क्या हो, पैरेलल हो, एक ही युग्म मतलब जुड़ा,
ठीक है, वो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी सी डी ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में क्या हुआ, ये तो आमने सामने की भुजा तो पैरेलल होगा ही, और दूसरा जो अनपेयर लाइंस है अनपेयर साइड है वो क्या है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो समलंब चतुर्भुज जिसकी असमांतर भुजाएं आपस में समांतर हो सिंपली में, उसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये आकृति ए बी सी डी में समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है तथा ए डी बराबर बी सी है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा सारा प्रॉपर्टीज। उसका दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना, तो पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, वो चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, यानी ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ठीक है। जब समांतर दोनों हो जाएगा तो दोनों युग्म क्या होगा, बराबर भी होगा। तो वो चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। समांतर होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, समांतर है। तो हमको सिर्फ अगर समांतर मिल गया तो उसे क्या कराएंगे, कहेंगे समांतर चतुर्भुज कराएंगे, ठीक है। चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल डी सी है ना, अतः यह एक समलंब चतुर्भुज भी है, ये एक समलंब चतुर्भुज भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, कह सकते हैं, क्योंकि एक पैरेलल हमको समलंब चतुर्भुज में एक ही जुड़ा चाहिए जो समांतर होना चाहिए, इसमें तो दोनों ही जुड़ा है, और भी अच्छी बात, ठीक है। परंतु समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक ही जो जोड़ा है वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और दूसरा जोड़ा इसमें समांतर नहीं भी हो सकता है, तो नहीं है, तो इसलिए समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के विशेष प्रकार, अब इसको कैटेगराइज किया गया है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। एक हो गया आयत, आयत क्या कहलाता है, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण को कहते हैं, ठीक है, आयत कहलाता है, ठीक है। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत भी है, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी तथा एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि सारा कोण क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। आयत होने के लिए क्या कंडीशन है, कि सारा कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए सिर्फ आमने सामने की भुजा समांतर है तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो इसमें हम सारा जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि सारा जो आयत है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समचतुर्भुज रोम्बस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, समान मतलब बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्योंकि इसमें ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए डी पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। तब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सारा भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं होता है। वही फिर वर्ग, वर्ग जिस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो, सारा भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है, एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं, और सारा कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो बगल की आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ये जो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज तो है ही, और क्या है, एक स्पेशल टाइप का समांतर चतुर्भुज है जिसे हम वर्ग कहते हैं, क्योंकि इसमें ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी सारा बराबर है आपस में, ठीक है, और सारा कोण भी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, सारा कोण भी 90 डिग्री का है, ठीक है।